जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो आज की इस हम लोग क्लास में हिस्ट्री में एक नए राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा? चोल डायनेस्टी यानी चोल वंश। तो चलिए हम लोग चोल वंश के बारे में विस्तार रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ से किसी हर एक एग्जाम में एक 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 न एक प्रश्न यहाँ से आ ही जाता है, तो इसको खैर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका जो वंश है चोल वंश, वो काफी अच्छा से आप समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग चोल वंश को पढ़ने वाले हैं। चोल वंश स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपका कमेंट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आज पढ़ेंगे जो हम लोग का कौन सा वंश होगा, चोल वंश। ये चोल वंश मध्यकालीन भारत का जो राजपूत काल है, राजपूतों ने भारत में जो शासन किया था, वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये राजवंश है। इसमें आप देखिएगा तो इस यहाँ से लगभग एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो सारा इसका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो चलिए हम लोग चोल वंश के बारे में थोड़ा सा पिछले का बैकग्राउंड जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड के बारे में जब हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित, और अपराजित को ही उसका सामंत था, उसका नाम क्या था, आदित्य चोल। और उसी आदित्य चोल ने अपराजित को हत्या कर एक नए वंश का स्थापित किया था, उसका नए वंश का नाम क्या था, चोल वंश। क्या था, चोल वंश। तो चलिए हम लोग विस्तार से चोल वंश पढ़ेंगे। चोल वंश पढ़ने से पहले एक भारत का हम लोग नक्शा बना लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो इंडिया का एक हमारे साथ मैप बना लीजिएगा। ये श्रीलंका का जम्मू कश्मीर का सेक्टर है। तो ये आपको पता होगा कि इधर के सेक्टर में देखें हम लोग, तो इधर कौन सा वंश था, तो पल्लव वंश। इसको हम लोग लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा, पल्लव वंश, पल्लव रहता है। इधर में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कौन था, वेंगी। कौन था, वेंगी, जिसको हम लोगों ने वेंगी का चालुक्य कहते हैं। इधर देखेंगे हम लोग तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के सेक्टर में कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। राष्ट्रकूट, कौन सा वंश, तो राष्ट्रकूट। इसके पहले कौन था, तो चालुक्य के स्थान पर ही, यानी चालुक्यों के सामंत थे कौन, दंती दुर्ग। और इसी ने इसका अंतिम राजा को हत्या कर नए डायनेस्टी का स्थापित किया था, इसका वंश चालुक्य। ये इस तरह का सेक्टर आप देख लीजिए इस तरह से। और मन में आ रहा होगा सर बीच में क्या होगा, तो बीच में देखिए इधर केरल के सेक्टर में कौन था, तो चेर। इधर एक नया वंश चल रहा था, चेर वंश। और बाकी जो बच गया इधर का सेक्टर कौन था, पांडे। इधर पांड हो गया। इधर देखेंगे बेंगी, इधर उड़ीसा के सेक्टर में, उड़ीसा के क्षेत्र में कौन था, गंग वंश। उड़ीसा में कौन था, गंग वंश। तो इस जो बैकग्राउंड है चीजें वो आप काफी अगर समझ गए तो यहाँ का जो राजवंश है, चोल वंश के जितने भी शासक हैं सभी को आप कंसेप्ट में धीरे समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी राजवंश के पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग का एक प्रश्न आना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो संस्थापक कौन था, तो संस्थापक के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्थापक, यानी चोल वंश को स्थापना किसने किया था। दूसरी चीज है कि हम लोग राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, यानी चोल वंश का राजधानी कहाँ था। इसके पहले जाने से पहले आप जान लीजिए कि चोल किसके सामंत थे, तो पल्लवों के सामंत थे। सामंत मतलब समझ रहे हैं, सामंती प्रथा चल रहा था कब से, गुप्तोत्तर काल से ही शुरू हो गया था। तो यानी पल्लवों के, यानी यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि चोल किसके सामंत थे, तो ये पल्लव के सामंत थे। पल्लव यानी पल्लव के सामंत, ये लोग किसके सामंत थे, तो पल्लव के सामंत। अब देखिए मन में यहाँ हम लोग संस्थापक के बारे में सबसे पहले देखेंगे, तो संस्थापक के बारे में पिछले ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पल्लव के अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था, अपराजित। और उसी अपराजित को हत्या किसने किया था, तो जो देख रहे हैं किसने, आदित्य चोल ने। कि संस्थापक कौन हो जाएगा, आदित्य चोल, आदित्य चोल कौन सा होगा, आदित्य चोल। अब देखिए यहां से यदि संस्थापक कौन है, आदित्य चोल। अब संस्थापक के बारे में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है, वो केवल एक कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए
जो इधर के सेक्शन में कौन चल रहा है, पांड, यानी तमिलनाडु के दक्षिण तमिलनाडु देख रहे इधर पांड राजवंश चल रहा था। केरल के सेक्शन में देखे तो चेर चल रहा था। देखिए एक व्यक्ति का नाम था, एक व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, विजयालय, विजयालय, एक व्यक्ति का नाम उनका नाम क्या था, विजयालय। और इसी विजयालय ने, यानी पांड की राजधानी कहाँ थी, मदुरई, मदुरई, मदुरई थी राजधानी कहाँ थी, यानी पांडव की राजधानी कहाँ थी, मदुरई। और इसी ये पांड से, यानी एक व्यक्ति का नाम क्या था, विजयालय, और इसी विजयालय ने पांड के राजा से कुछ क्षेत्र को छीन लिए थे, यानी इस सेक्शन से देख रहे हैं, इसी सेक्शन को पांड राजा छीन लिए, और इसी के एक नए, यानी कि इनका नाम क्या था, विजयालय, विजयालय। और इसी विजयालय ने थोड़ा सा सेक्टर, यानी जो तमिलनाडु का सेक्शन ये देख रहे हैं, इतना ही सेक्शन में शुरुआत में चोलों ने अपने स्थापना किया था चोल वंश का, और उनका नाम क्या था, विजयालय। और इसी विजयालय ने एक जगह है तमिलनाडु का ही, जिसको नाम है तंजौर, तंजौर क्या है, तंजौर, या उसी को हम लोग तंजावुर भी कहते हैं। तो इसी तंजौर और यानी तंजावुर में विजयालय ने पांडवों से कुछ क्षेत्र को छीन लेकर एक नए वंश की स्थापना किए थे, उसका नाम क्या था, चोल वंश। तो देखेंगे हम लोग जो मूल रूप से जो चोल का संस्थापक है, वो संस्थापक का नाम क्या है, विजयालय। तो इससे विजयालय, इसको आदित्य चोल तो है ही, लेकिन इसके पहले सबसे पहले चोल को स्थापना किसने किया था, तो चोल को स्थापना किया था विजयालय ने, विजयालय। तो ये मन में प्रश्न आ रहा हो कि दो दो को संस्थापक हो सकता है, तो जी नहीं, संस्थापक जैसे सूर्याती, जब चोल का जब सूर्यात, जब चोल जो शासक था शुरुआत शुरू में चोल, यानी कि विजयालय ने स्थापना किया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर वो आगे आदित्य चोल ने स्थापना किया। तो चलिए हम उसको भी बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कि संस्थापक देखेंगे, तो संस्थापक आदित्य चोल को पहले भूल जाइए, इसका यानी संस्थापक चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। और इसी विजयालय ने किसके, पांड से कुछ क्षेत्र को जीतकर अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो तंजौर या तंजावुर, तंजौर, तंजौर या तंजावुर भी हम लोग कहते हैं, तंजा, ये कहां में पड़ता है, तो तमिलनाडु का एक सेक्टर है, तमिलनाडु का है ना। अब देखिए हम लोग विजयालय के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग ये क्या है, तो ये चोल वंश का संस्थापक है, चोल वंश का संस्थापक। दूसरी चीज जान लीजिए, जब इन्होंने यानी विजयालय ने पांडव से अपने क्षेत्र कुछ क्षेत्र को जीता, तो इसलिए इसने जीतने के बाद नर केसरी की उपाधि ली थी, कौन सा केसरी, नर केसरी, तो नर केसरी, नर केसरी। तो यहां से बस विजयालय के बारे में दो ही चीज आएगा कि चोलों का संस्थापक कौन था, विजयालय, या इसका यही आपको मॉडरेट क्वेश्चन कर देगा कि चोलों का प्रथम संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। अब हम लोग विजयालय के बाद कौन है अगला राजा बनेगा, तो आदित्य चोल, आदित्य चोल ये दूसरा राजा है, आदित्य चोल, इसको कहीं हम लोग आदित्य प्रथम भी कहते हैं, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। अब यही आदित्य प्रथम जो चोल, आदित्य चोल थे, देख रहे हैं यही पल्लव, पल्लव के सामंत थे, यानी पल्लव के सामंत कौन थे, आदित्य चोल। और इसी आदित्य चोल ने पल्लव के अंतिम राजा कौन था, अपराजित, और अपराजित को हत्या कर एक नए वंश का स्थापित, तो पहले ही चोल वंश पहले ही से चल रहा था, लेकिन अपने साम्राज्य में, इसका पहले जो चोल का पहला प्रारंभिक जो स्थिति हम लोग देखे तो केवल इतना ही सेक्शन में था, लेकिन जब आदित्य चोल राजा बना तो ये किनके सामंत थे, ये पल्लवों के सामंत थे। तो इन्होंने पल्लव के राजा अपराजित को मारकर ये अपने साम्राज्य में, चोल के साम्राज्य में पूरा किसका, पूरा तमिलनाडु के सेक्शन को किसने मिला लिया था, किसने, ये आपका यानी कि आदित्य चोल ने, ये किनके हत्या किया था, अपराजित को, अपराजित, अपराजित को हत्या कर अपने साम्राज्य में चोल पल्लवों को साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो अब पल्लवों का साम्राज्य हम लोग देखें, चोलों का साम्राज्य देखें, तो ये पूरा साम्राज्य हो गया, यानी कि ये सेक्शन पूरा देख रहे हैं। अब चूंकि पल्लव का साम्राज्य किसके अधीन में आ गया, तो आदित्य चोल के, इसीलिए हम लोग जो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक इनके कहते हैं, तो आदित्य चोल को वास्तविक, इन्हें यानी वास्तविक संस्थापक कहते हैं, या द्वितीय संस्थापक भी हम लोग कहते हैं। यानी यहां से प्रश्न आएगा कि चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आदित्य चोल या आदित्य प्रथम, इसी क्वेश्चन को आपको मॉडरेट करेगा, मॉडरेट मतलब आपको थोड़ा सा घुमाएगा, घुमाएगा कैसे, देखिएगा कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो प्रथम संस्थापक का नाम क्या था, विजयालय, और द्वितीय संस्थापक का नाम क्या था, आदित्य चोल या आदित्य प्रथम हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आदित्य प्रथम के बारे में डिटेल रूप से देखेंगे,
तो आदित्य प्रथम का कोई यानी चोल वंश का ज्यादा योगदान नहीं रहा, केवल योगदान ये रहा कि अपने साम्राज्य को यानी पल्लवों को साम्राज्य को अपने अधीन अपने अपने साम्राज्य में मिलाया। ये होगी चोल यानी आदित्य चोल के बारे में। आदित्य चोल के बाद अगला राजा बनेगा प्रांतक प्रथम, प्रांतक प्रथम। यहां से मारधर खूब होगा यानी कि जो चोल वंश देख रहे हैं चोल वंश में यहां से मारधर स्टार्ट होगा। तो चोल वंश का सबसे पहले देखेंगे तो ये चोल वंश का क्या था, इसने यानी चोल इस पूरा सेक्शन देख रहे हैं कि अब जो चोल का साम्राज्य कहां तक था, तो पूरा पल्लव का क्षेत्र हो गया और कुछ पांडव का। तो इसने सबसे पहले जब राजा बना कौन, प्रांतक प्रथम, तो प्रांतक प्रथम ने तुरंत हमला कर दिया पांडव के राजा, पांडे के राजा का नाम क्या था, पांडव नहीं होगा पांडे लिखा गया पांडे है ना, यानी पांडे के राजा का नाम क्या था, राजसिंह। यानी राजसिंह को तुरंत यानी प्रांतक जब प्रथम जब राजा बना तो इसने पांड को जीतने के लिए अपना एक उद्देश्य बनाया, यानी कि जो अपना जो गोल था प्रांतक प्रथम ने अपना गोल बनाया कि जो हमारा जो दक्षिण पड़ोसी है यानी पांड को हम जीत लेंगे तो काफी हम लोग सहूती है, हमने मतलब हम अपने साम्राज्य को और विस्तृत करेंगे। तो इसी उद्देश्य से पांड पर हमला कर दिया और पांड का राजा का नाम क्या था, राजसिंह। और राजसिंह को हराकर इसने मदुरई इनकी यानी पांडे की राजधानी कहाँ थी, मदुरई, तो इसलिए इसकी राजधानी को भी जीत लिया और जीतकर इसने मदुरई कुंड की उपाधि ली, मदुरई कुंड है ना, एक मतलब कह लीजिए मदुरई मतलब मदुरई को जीतने वाला, यानी मदुरई की राजधानी किसका, पांडे का। तो हम लोग यानी कुंड मतलब समझ गए हम लोग किसको आते हैं, जीतने वाला को। यानी दक्षिण भारत में देखें तो एक तरह से फैशन या ट्रेंड कह लीजिए, ट्रेंड ही चल रहा है कि सब पहला देख लीजिए तो बतापी कोण की उपाधि किसने लिया था बताइए, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद कांची कोण की उपाधि लिया था कौन, चालुक्य राजा कौन, विक्रमादित्य टू ने। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो मदुरई कोण की उपाधि लिया था कौन लिया, तो प्रांतक प्रथम। ये प्रांतक प्रथम कौन था, तो चोल वंश का राजा था। ये चीजें देख लीजिए यानी दोनों का जो यानी कि प्रांतक प्रथम और राजसिंह के बीच जो युद्ध हुआ उसको हम लोग बेलूर का युद्ध कहते हैं, बेलूर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं हम लोग, बेलूर का युद्ध, यानी हम लोग क्या कहते हैं, बेलूर का युद्ध। कई कई बार इसको डेट भी आया था, इसको याद रखने के लिए एक डेट है 915 ईस्वी है ना, ध्यान रखिएगा 915 ईस्वी में बेलूर का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ, तो चोल राजा प्रांतक प्रथम और पांड राजा राजसिंह के बीच, पांड राजा राजसिंह के बीच हो गया, ध्यान रखिए। उसके बाद प्रांतक प्रथम जब पांड के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया तो सबसे बड़ा दिक्कत हो गया चेर को, क्योंकि चेर छोटा साम्राज्य यानी केरल का ही क्षेत्र में था, तो सबसे बड़ा इसको लगा कि अब तो हमला हमरे पर करेगा। तो इसने सोचा कि क्यों ना राष्ट्रकूट से दोस्ती की जाए, क्योंकि राष्ट्रकूट इधर बड़ा साम्राज्य के रूप में अपना स्थापित किए हुए था। तो इसने चेर के साथ अपना दोस्ती बना लिया, दोस्ती बनाने से क्या होगा कि मजबूत होगा है ना, यानी कि जब कोई अगर बाहरी आक्रमण होगा तो इन दोनों मिलकर मारेगा। तो इसने क्या किया, चेर ने राजकूट से दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद तो ये काफी खुश कर चलो हम तो कोई मार नहीं सकता, कोई हमको जीत नहीं सकता। फिर यानी कि कौन, प्रांतक प्रथम ने अब सोचा कि अब राष्ट्र यानी कि कौन है, चेर को हराने के लिए इसने कहां लड़ाई कर दिया, राष्ट्रकूट के बीच, इसके बीच राष्ट्रकूट, चलिए तो राष्ट्रकूट के बीच कर दिया। और इन्हीं के राष्ट्रकूट के एक राजा यानी कि दूसरा युद्ध के यानी राष्ट्रकूट के राजा का नाम क्या था, कृष्ण तृतीय। और ये प्रांतक प्रथम कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच एक युद्ध हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तकोलम का युद्ध। ये कब हुआ, तकोलम का युद्ध, इसका भी आप डेट याद रखिए क्योंकि ये डेट कई बार आ ही जाता है, 949 में हुआ था। यानी कि तकोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और चोल राजा प्रांतक प्रथम के बीच। लेकिन इसमें ससुराई जो प्रांतक प्रथम देख रहे इसको मतलब हार गया था, मतलब इसको पराजित कर दिया था कौन, कृष्ण तृतीय ने। इसके बाद देखिएगा तो चोल का वंश है, चोल का जो साम्राज्य देख रहे हैं, चोल का साम्राज्य किसके अधीन में हो गया था, राष्ट्रकूटों के अधीन में, लेकिन आंशिक रूप से हुआ था, मतलब पूरा रूप से शासन नहीं कर रहा था, आंशिक रूप से शासन कर रहा था। इसके बाद यानी प्रांतक प्रथम के बाद एक राजा, इसके बाद राजा कौन बना, राज प्रथम। यानी इसके बाद राजा कौन बना, राज प्रथम। कौन राजा बना, राज प्रथम। और ये देखिए चोल वंश का सबसे प्रताप सॉरी
चोल वंश का पहला प्रतापी शासक है। ये चोल वंश का क्या है? प्रतापी शासक। चोल वंश का क्या है? प्रतापी शासक। और इसने जैसे ही देख सोचा यानी बुझा समझा कि जो हमारा जो साम्राज्य है जो राष्ट्रकूटों के अधीन में आने का मुख्य उद्देश्य जो मुख्य कारण था वो चेर था। मुख्य कारण क्या था? चेर। यानी चेर नहीं सर्वप्रथम क्या क्या था हमारे चेर के कूटनीति के कारण हमारा साम्राज्य तो इसके अधीन में हो गया था। इसीलिए इसने सबसे पहले चेर को हम जीतने का प्रयास किया। इसने क्या किया था? चेर को जीतने का प्रयास किया और चेर को यानी केरल का सेक्शन को जीत लिया। केरल का सेक्शन को इसने जीत लिया। किसने जीत लिया था? तो राजराज प्रथम। चेर का सेक्शन को जब जीत लिया तो इसने सोचा किया बेहतर नहीं, इस ससुरा और चनाक था कौन? राजराज प्रथम। इस ससुरा क्या किया कि इसने सोचा कि इधर में आपको पता हो कि इधर कौन था? भारत का लक्षद्वीप। इधर में देखे तो नीचे में यानी एशिया महादेश का सबसे छोटा द्वीप है मालदीप, है ना देश। तो मालदीप यानी कि इसने मालदीप और लक्षद्वीप को भी जीतने का प्रयास किया क्योंकि समुद्र के बाहर में था। मतलब समुद्र के बाहर में कौन जीत सकता है? जिसके पास नेवी का सेना हो, है ना, एयरफोर्स तो होगा ही, लेकिन जिसके पास ज्यादा अगर नेवी होगा या थल सेना से जीत सकता नहीं। थल सेना कहाँ युद्ध करेगा? धरती पर। लेकिन यहाँ तो समुद्र है, समुद्र काफी समस्या है। तो इसीलिए इसने सोचा कि नौ सेना को तैयार किया जाए और इसी उद्देश्य से यानी लक्षद्वीप और लक्षद्वीप देख लीजिए मालदीप को जीतने के उद्देश्य से इसने नौ सेना का विकास किया। कौन सा सेना? नौ सेना। नेवी सेना को तैयार किया और जब नेवी सेना तैयार हो गया, जब मजबूत हो गया तो इसने तुरंत चेर तुरंत आक्रमण कर दिया। कहाँ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को भी इसने जीता। लक्षद्वीप मालदीप भी सतले ही था तो मालदीप को भी जीता। मालदीप इतने नहीं, मालदीप जब लक्षद्वीप और मालदीप जब जीत लिया राजराज प्रथम ने तो यहाँ आपको पता होगा कौन सा देश है? श्रीलंका। और श्रीलंका को भी इसने जीतने का प्लान बनाया। तो जब श्रीलंका पर हमला किया तो यहाँ का राजा का नाम क्या था? श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका का राजा का नाम क्या था? महेंद्र पंचम। यानी महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। उत्तरी श्रीलंका इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता। लेकिन जो महेंद्र प्रथम था इसने कूटनीति का अपनाया और ससुराल देखा कि जब हम हार रहे हैं तो इसने कहां भाग गया? दक्षिण श्रीलंका भाग गया। और दक्षिण श्रीलंका भागकर अपना आश्रय मतलब वहीं बना लिया। जब देखा जब चोल राजा जब अपने साम्राज्य में लौट गए यानी क्षेत्र को जीतकर तब इसने पुनः अपना शासन को प्रारंभ किया। यानी तो देखे महेंद्र पंचम को किसने पराजित किया था? तो चोलों का सबसे पहले चोल के राजा कौन? राजराज प्रथम ने। तो अब हम लोग ये देखें कि चोल का साम्राज्य देखिए कितना अब तक बढ़ चुका है। पूरा देखिए तो तमिलनाडु का पूरा सेक्शन, पूरा केरला का सेक्शन, लक्षद्वीप हो गया, मालदीप हो गया, पूरा उत्तरी श्रीलंका भी जीत लिया है। यानी पूरे उत्तरी श्रीलंका तक इसका साम्राज्य हो गया। किसका? राजराज प्रथम का। तो ये राजराज प्रथम का काफी ये विशेषता है चोल वंश के उत्थान करने के लिए, चोल वंश को आगे बढ़ाने में। अब हम लोग देखेंगे इसी राजराज प्रथम ने जो पल्लवों ने शुरुआत किया था मंदिर निर्माण का शैली। पल्लवों ने कौन सा शैली को शुरुआत किया था? द्रविड़ शैली। और इसी द्रविड़ शैली को इसने क्या किया था? द्रविड़ शैली को इसने विकास में आगे बढ़ाया। कौन? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने जो पल्लवों को मंदिर निर्माण का जो शैली था उसका नाम क्या था? द्रविड़ शैली। उसी द्रविड़ शैली को आगे बढ़ाया और इसने बहुत सारा क्या क्या मंदिर को बनाना पत्थरों को काटकर पहाड़ों के बीच काटकर मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए कुछ लोग इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कि जो चोल का सोच था राक्षस के जैसा इन लोग सोचते थे और जौहरियों की तरह तराशते थे। मतलब पहाड़ को कौन काटेगा जी? किसके पास समय है पहाड़ काटने के लिए? तो ये लोग पहाड़ को काटने के लिए इन्होंने इसका तुलना किया था राक्षस से कि राक्षस जैसा पहाड़ को कभी ढकेलता है, कभी पलटता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। इसीलिए चोलों को राक्षस के जैसा बताया। दूसरी चीज जौहरियों की तरह ये लोग तराशते हैं। मतलब पत्थर को इस तरह से चिकना करते हैं, इस तरह से पॉलिश करते हैं, इस तरह से इसको मतलब कर लीजिए फिनिशिंग करते हैं। इसी को इन्होंने क्या किया? जौहरियों की तरह मतलब वैसा ही ये लोग तराशते हैं। तो राजराज प्रथम को कुछ विद्वानों ने क्या कहा था कि इनका जो सोच था राक्षस के जैसा था और जौहरियों की तरह तराशते थे। अब देखिए इसी में राजराज प्रथम ने अपने राजधानी तंजौर में एक मंदिर बनाया था। उसका नाम क्या था? राजराजेश्वर। राजराजेश्वर राजराजेश्वर मंदिर। इसी को हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। तो ये हो गई यानी कि जो मुख्य देश था राजराज प्रथम का यही था। तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया कहां में? तंजौर में। अब इसके बाद अगला राजा हम लोग देखें तो इसी का है बेटा है, उसका नाम क्या? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल इसी को हम लोग राजेंद्र प्रथम भी कहते हैं।
कि हम लोग कहते हैं अब इनका जो योगदान है चोल वंश को आगे बढ़ाने में वो हम लोग देखेंगे। तो ये चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी यानी चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसने यानी इनके जो पिता थे कौन, राजराज प्रथम ने शुरुआत किया था कौन सा, नौसेना को जब तैयार किया था तो इसने नौसेना को सुदृढ़ किया, नौसेना नौसेना को सुदृढ़ किया। और नौसेना को मतलब इसने राजेंद्र चोल ने इतना मतलब नौसेना को विकास किया कि इसने, चूंकि इनका मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरह से हमारे पिताजी यानी हमारे जो पापा ने यानी कि समुद्र के बाहर भी जीतने का काम किया तो क्यों हम कहे पीछे रहे भाई। तो इसने भी नौसेना को खूब विकास किया और तुरंत विकास करके आपको पता होगा कि इनके पिता यानी कि राजा प्रथम ने केवल उत्तरी श्रीलंका को ही जीता था। इनने तुरंत यानी कि जब नौसेना का जब पूरा विकास कर लिया तो राजेंद्र चोल ने तुरंत हमला कर दिया श्रीलंका पे, और श्रीलंका के राजा कौन थे, महेंद्र पंचम, यानी महेंद्र पंचम से पूरा श्रीलंका को ही जीत लिया। मतलब उत्तरी श्रीलंका तो पहले से ही था इनके अधिकार में लेकिन दक्षिण श्रीलंका को भी जीत लिया, इसने श्रीलंका को भी पूरा श्रीलंका जीत लिया। तो यहां से यह प्रश्न है श्रीलंका को पहली बार जीतने वाला राजा कौन था, कौन सा चोल राजा था, तो ये राजा प्रथम, लेकिन पूरा श्रीलंका को जीतने किसने जीता था, तो राजेंद्र चोल ने, किसने जीता था, तो राजेंद्र चोल ने। अभी इतने मानता तो खैर अलग ही बात था, इस ससुर और नहीं माना राजेंद्र चोल। इधर देख रहे हैं बेंगी का चालुक, इसने बेंगी के चालुक को भी हराया, यानी इसने बेंगी के चालुक हराया, गंग यानी उड़ीसा के गंग वंश को भी हराकर अपने साम्राज्य मिलाया। इतना तक मान जाता था तो ठीक था, इस ससुर और निकला। अब इसने क्या सोचा कि अब जब लड़ाई झगड़ा कर लिया था, सोचा कि व्यापार करने के उद्देश्य ने अब सोचा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने चीन के साथ यानी चीन के साथ व्यापार करने के लिए प्लान बनाया। क्या किया, चीन के साथ व्यापार करने के लिए प्लान, एक प्रोग्राम बनाया। तो प्रोग्राम में बनाया तो इनको जो लगा कि कौन कौन सा देश हमको चीन के साथ व्यापार करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, मतलब रोक सकता है, जो जो भी देश इसको रोका चीन के साथ व्यापार करने में, सभी को इस ससुर पराजित किया और जीत लिया। देखिए इसमें सुमात्रा को, इधर आपको पता होगा सुमात्रा वगैरह सभी छोटा छोटा क्या है, तो सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया यानी इटीसी, मतलब छोटे जितने दक्षिण पूर्वी जो देख रहे हैं एशिया का जितने भी द्वीप था, वियतनाम वगैरह देख लीजिए, सभी को इसने जीता था, कौन, राजेंद्र चोल ने। इसीलिए कहा था देखिए लगभग देख लीजिए तो इधर सभी साम्राज्य इसी के अधीन में आ गया था, किसके, राजेंद्र चोल के अधीन में। यानी इसने चीन के साथ व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा बात है सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया को उत्पन्न कर रहा था, इसीलिए सभी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। और इसमें जब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेगा तो एक यूनिट आएगा दसवां भी पढ़े होंगे, हिंद चीन, तो हिंद और चीन मतलब एक देश है, यानी वहां हिंदी, हिंद मतलब भारत के भी लोग वहां रहते हैं, तो भारत के लोग कब रहे, जब राजेंद्र चोल जब वहां इस क्षेत्र को जीता तो कुछ भारतीय वहां भी जाकर शिफ्ट हुए, जो वहां भी बस गए, तो राजेंद्र चोल का ही देन था कि सब जो जहां आपको भारतीय का जो संस्कृति देखने के लिए मिलेगा, यानी संस्कृति जो देखने के लिए मिलेगा या भारतीय लोग वहां भी रहेंगे, तो इन्हीं का देन है कि राजेंद्र चोल का ही देन है कि वहां लोग जाकर बसे, यानी भारतीय लोग भी वहां जाकर बसे थे, है ना। और इसी में देखिएगा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है कौन, अंकुर वाट का मंदिर, तो खैर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको विशेष रूप से देखेंगे। तो चीन यानी चीन के यानी कि देखें हम लोग चीन के व्यापार करने के लिए सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया सभी को इसने जीता था, है ना। तो कुछ लोग इनको कहते हैं जैसे देखिए पूरा बंगाल के खाड़ी को इसने झील बना दिया था, क्या झील, बंगाल के खाड़ियों को इसने पूरा झील बना दिया था, मतलब जब चाहे जब सुमात्रा चल जाए, जब चाहे जब मलेशिया चल जाए, जब चाहे इंडोनेशिया, मतलब जाने के लिए तुरंत, एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मुकेश अंबानी जो भी इसको चाहिए उसके यहाँ सारा सिस्टम उपलब्ध है, 5-star होटल है, सारे चीज सिस्टम उसके साथ उपलब्ध है, मतलब उसको कह लीजिए अगर उसको स्विमिंग पूल में स्नान करना है तो उसको बाहर कहीं नहीं जाएगा, बाहर पार्क में नहीं जाएगा, वो सब वहां बनाया हुआ, मतलब कह लीजिए राजेंद्र चोल भी मुकेश अंबानी कहीं जैसा था, मतलब पूरा देख लीजिए तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी को भी इतने झील के तरफ यानी झील में ही सिमट दिया था। ये चीज हो गई किसके बारे में, तो राजेंद्र चोल के बारे में। अब देखेंगे राजेंद्र चोल के बाद, राजेंद्र चोल इतने में नहीं माना, राजेंद्र चोल इधर आपको पता होगा कि बिहार में और बंगाल के क्षेत्र में महिपाल के राजा कौन, महिपाल यानी महिपाल को भी हराया, और यहाँ इसने गंगई कुंड की उपाधि ली, गंगई कुंड यानी गंगई कुंड की उपाधि किसने लिया था, राजेंद्र चोल ने। गंगई उस समय दक्षिण भारत में गंगा नदी का लोग काफी मानते थे, मतलब उत्तरी भारत में जैसे हम लोग अभी भी जा रहे हैं गंगा नदी सबसे पवित्र है, तो ठीक इन लोग का मानना था कि
एक सही में गंगा नदी पवित्र है, तो इसी के उद्देश्य से राजेंद्र चौधरी ने गंगा नदी को जल लाने के लिए गया, लेकिन महिपाल इसको जाने नहीं दिया, इसलिए इसके साथ लड़ाई हुआ, लेकिन महिपाल को हराकर इसने गंगा नदी को जल को अपने लाया है ना, और लाकर एक शहर बनाया गंगाई कोल्ड कोलपुरम, यानी गंगाई कोंड चोलपुरम, और यानी कि राजधानी बनाया। ये चीज हो गई राजेंद्र चोल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक अंतिम, इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, उसका नाम है कुलोतुंग है ना। इसके बारे में ज्यादा हम लोग नहीं समझना। इसने 72 व्यापारियों को, यानी 72 व्यापारी मंडल को चीन के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था, व्यापारी मंडल को, कि कैसे हम लोग व्यापार करेंगे, हम लोग का कैसा व्यवस्था होगा, कितना टैक्स लगेगा, इसे जानने के लिए। इस वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है, राजेंद्र तृतीय, और ये अंतिम राजा है, और इसी ये अंतिम राजा, और इसकी हत्या कौन होता है, एक व्यक्ति का नाम क्या था, सुंदर पांड, और इसी सुंदर पांड ने इसकी हत्या कर फिर से मतलब पांड वंश के मतलब शासन को आगे बढ़ाता है ना। तो जैसे इस यानी पांड को समाप्त किसने किया था, देखिए अभी अभी ने हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में पांड को किसने जीता था, विजयालय के बाद आदित्य चोल ने है ना, सॉरी ये प्रांतक प्रथम ने, और इसने कैसे मदुरई कोंड, लेकिन इतने जितने भी इस समय देखें यहां तक अधीन किसके, चोल के साम्राज्य में, लेकिन जब इसी का एक राजा यानी किसी का एक व्यक्ति था पांड का ही, उसका नाम क्या था, सुंदर पांड, और इसी सुंदर पांड ने राजेंद्र तृतीय की हत्या कर पुनः अपने साम्राज्य को वापस बुलाया। बाकी जितने भी साम्राज्य देख रहे हैं, ये साम्राज्य सभी स्वतंत्र हो गया और नए नए वंश का इसमें उदय हो गया। तो ये आपका हो गया चोल साम्राज्य। एक क्लास और लगेंगे चोल स्वशासन, चोल व्यवस्था, जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन है, चोल प्रशासन है, वो काफी विस्तार है, तो एक क्लास और लग गए तो हो जाएगा। तो हेडिंग में लिखिए चोल वंश, चोल वंश लिखिए 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 पॉइंट करके, चोल पल्लवों के सामंत थे, चोल पल्लवों के सामंत थे। उसके बाद लिखिए राजधानी तंजौर या तंजावुर, राजधानी तंजौर या तंजावुर। उसके बाद हेडिंग में पहला लिखिए विजयालय, विजयालय, और इसमें पॉइंट करके लिखिए यह चोल वंश का संस्थापक था, यह चोल वंश का संस्थापक था। इसने 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 पांडवों से इसने नरकेसरी की उपाधि ली, इसने नरकेसरी की उपाधि ली। उसके बाद लिखिए आदित्य चोल, हेडिंग में आदित्य चोल लिखिए इसमें पॉइंट करके, यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था, यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने इसने पल्लव के अंतिम राजा अपराजित को हत्या कर अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद लिखिए प्रांतक प्रथम लिखिए इसमें पॉइंट करके, प्रांतक प्रथम ने पांड राजा राज सिंह को 1915 ईस्वी में बेलूर के युद्ध में हराया और मदुरई कोंड की उपाधि ली। उसके बाद लिखिए इसमें पॉइंट में, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को हराया। उसके बाद लिखिए हेडिंग में राजराज प्रथम लिखिए, यह चोल वंश का पहला प्रतापी शासक था। इसने चेर के क्षेत्रों को अधिकार किया। उसके बाद इसमें पॉइंट करके लिखिए, इसने सबसे पहले नौसेना को तैयार किया। उसके बाद लिखिए इसने मालदीप लक्षद्वीप और उत्तरी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार किया। लिखिए इसने द्रविड़ शैली को विकास किया, इसने द्रविड़ शैली को विकास के रफ्तार को आगे बढ़ाया तथा तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर को बनाया। उसके बाद लिखिए राजेंद्र चोल, इसके लिखिए
यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने इसने नौसेना को सुदृढ़ किया, नौसेना को सुदृढ़ किया। उसके बाद लिखिए इसने इसने बेंगी के चालुक उड़ीसा के गंग वंश को अपने अधिकार में किया, अपने अधिकार में किया। उसके बाद लिखिए इसने इसने चीन के साथ व्यापार करने के लिए सुमात्रा सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया इत्यादि दक्षिणी पूर्वी एशिया को जीता। उसके बाद लिखिए इसने इसने बंगाल और बिहार के राजा महिपाल को हरा कर गंगाई कुंड की उपाधि ली और अपने राजधानी के निकट गंगा जल को लाकर एक नए शहर की स्थापित की एक नए शहर की स्थापना की। उसका नाम क्या है? गंगाई कोल्ड चोलपुरम, ये लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कुलोतुंग, यहाँ से एक जीएस केवल आता है। लिखिए इसने बहत्तर व्यापारी मंडल को चीन भेजा था, चीन भेजा था। उसके बाद लिखिए राजेंद्र तृतीय, यह लिखिए यह चोल वंश का अंतिम शासक था, यह चोल वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या सुंदर पांडे ने की और इसके क्षेत्र पर पुनः पांड वंश का उदय हुआ। तो ये हो गई पूरा चोल वंश। तो एक क्लास और लगे हैं चोल प्रशासन एंड चोल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां से हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।